जलंधर में आज कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो किसान आंदोलन को कमजोर करने की दिशा दे चुकी है। आपको बता दें, जलंधर के साईदा स्कूल के पास एमसंस नाम की बेकरी को बंद करवाने किसान नेता पहुंचे तो कुछ नौजवानों ने लूट मचा दी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और खाने का सामान लूट लिया। हालांकि किसान नेता उन्हें चेतावनी देते रहे। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है। देखें जलंधर से ईशान जनेजा के साथ गगनदीप सिंह की ये रिपोर्ट। दुकाना लुट लिया ते हुण गुंडागर्दी ते आ गए है। देखो जी की हो रहा है। मैं एसएचओ साहब को बेनती करता हूं, एसएचओ साहब अपनी गड्डी से निकल के बाहर आओ और से लोगों को लुट के अंदरों बोतलां चकी है, खान पीन का समान चकिया ते हुण लुट हो गया। मैं सारे वीरां को बेनती करता हूं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मुंडा नूं कुट्टा जावे। जे नौजवान वीर आ जो अगे वध के जा रहे हैं, इन्होंने रोकना चाहना। ये सारे स्टाफ को बाहर कढ दो और इन्हों हाथ जोड़ के बेनती करो, इन्हों कवो कुछ ना, इन्हों बाहर कढो, बाहर कढ के इन्हों की दुकानदारी जरा अज भी बंद करा दियो। सारे हेलो खबरदार, जो किसी ने कोई ऐसी हरकत की थी, अंदर जो कोई चीज लेनी है पैसे दे के लोगों ने चक्की ना ये दे लो, समान चक्की ना ये देखो, लो कोई भी चीज लेनी है पैसे दिते बगैर नहीं लेनी। शहर के लेने रोटी नहीं खानी, और किसी को भी कोई चीज जो लेनी है तो उन्हें कोई पैसे दिते बगैर नहीं लेनी। सारे ने चरणों की बेनती है, हाथ जोड़ के बेनती करो और बाहर आ जाओ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਸੈਂਟਰ ਚੱਕਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਜੂਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।